छतरपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना को लेकर गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जियाव ने बताया कि आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके तहत ही उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा तैनात की गई है। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा और स्ट्रांग रूम के लाइव प्रसारण को लेकर एलईडी टीवी भी लगाई गई है। जो वर्तमान में ऑलरेडी 3 टायर सिक्योरिटी हमारे यहाँ प्लेस पे है, फर्स्ट टायर सिक्योरिटी में जो स्ट्रांग रूम के फर्स्ट टायर में सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के टीम्स हैं, सेकंड टायर में SAF का जो स्टेट आर्म फोर्सेस के टीम है और थर्ड टायर में अपने पुलिस टीम तैनात है और स्ट्रॉन्ग रूम्स के डेली विजिट होते हैं DO और SP द्वारा कि ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई इशू तो नहीं हो और डिस्प्लेड भी है ताकि पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स अपने एजेंट्स उसको कॉन्स्टेंटली देख भी सकते हैं कि CCTV के थ्रू कि कोई EVM के साथ कोई भी इशू ना हो। स्ट्रॉन्ग रूम का सैनिटी मेंटेन्ड है। काउंटिंग डिसाइडेड है 4 को 8 बजे सुबह से यहाँ पे शुरू होगी और हमारे यहाँ पे 16 से लेके 18 राउंड में कंप्लीट होंगे, जो हमारे 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब काउंटिंग होगी तो उसमें ये डिसाइडेड है। तो कैंडिडेट अपने एजेंट्स काउंटिंग एजेंट्स की IDs जो है AROs के द्वारा इशू की जाएंगी।